जब जोर के बाथरूम जाना होता है ना, और बाथरूम अंदर जाकर आ भी रहा होता है और नहीं आ रहा होता, वो जो फीलिंग होती है ना कॉन्स्टिपेशन की, उसे कहते हैं फ्रेंड जोन। ना आप कर सकते हो ना आप छोड़कर जा सकते हो, बीच में अटक गए हो। स्कूल में मैं बहुत बार फ्रेंड जोन हो रहा था, तो मैं फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन गया, वहां पर अलग तरीके के लोगों से मिलने के लिए जिन्हें मेरे पास्ट या मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, और वहां पर मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई। अगर आपको जानना है कि आपको लड़की पसंद करती है या नहीं पसंद करती, आंखों में झांक कर देखना है, जिस तरह वो आपको देखती है, जिस तरह वो आपको टच करती है, अगर ये दोनों चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझा देगी कि वो पसंद करती है क्या नहीं। अगर आपको अपनी ऐश्वर्या राय चाहिए तो आपको उसका अभिषेक पहले बनना पड़ेगा। आपको उस लेवल की अपनी हेल्थ, अपनी प्रोफाइल, अपना वर्क, सब कुछ उस लेवल पे लाना पड़ेगा अगर आपको उस लेवल की लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। डेट फॉर अ मंथ, किसी इंसान को सिर्फ 15 से 30 दिन के लिए डेट करके देखो, ये देखने के लिए कि क्या वो तुम्हारे कंपैटिबल है या नहीं। कभी कभार कोई इंसान दूर से बहुत अच्छा लगता है, पर महीने में डेट करने के बाद आपको सब समझ आ जाता है कि ये कितना पानी है। फाइव लैंग्वेजेस ऑफ लव, गिफ्ट देना, टच करना, सेवा करना, आंखों में आंखें डालकर देखना, कॉम्प्लीमेंट करना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक चीज की कमी होती है, तो जिस इंसान को तुम पटाना चाहते हो, पता करो कि उस पांचों में से क्या कमी है। बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद करते हैं, दिल की बात भी कहना चाहते हो तो कह दो, सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि 5 या 10 साल के बाद जब उसकी शादी हो रही होगी ना, और तुम्हें तब रियलाइज होगा तो बहुत ही गंदी वाली लगेगी। जाके कह देना उसे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको प्यार करता है और आप उसे प्यार नहीं करते, तो उसे ब्लॉक करो और भागो, लिटरली भागो। किसी ना किसी दिन वो समझ जाएगा, महीने बाद, साल बाद, और थैंक यू करेगा। बस जब एक लड़की कहती है तुम बहुत क्यूट हो, क्या मतलब है उसका? देखो ये बात तो है कि अगर तुम्हें कोई लड़की क्यूट बोलती है, वो भी ऑन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ मीटिंग यू, तो 100% तुम फ्रेंड जोन दो ब्रो। क्योंकि वो अपने क्रश को कभी भी क्यूट फर्स्ट टाइम में तो नहीं भूलेगी, सीरियसली। भाग, जितना पीछे भागना है भाग, जितनी भीख मांगनी है भाग। अगर वो तुझे मिल भी गया ना, वो तब भी तेरी कभी कदर नहीं करेगा, चाहे जो कर ले। तुम किसे प्यार करते हो और वो तुम्हारे से प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं, 130 करोड़ की आबादी है, कोई और मिल जाएगा, छोड़े से। हाँ, आपकी लड़की आई लव यू बोलती है पर तब भी फ्रेंड बना के रखा हुआ है, तो निकल ले, अभी निकल ले, ब्लॉक कर और निकल ले प्लीज, क्योंकि अगर वो तेरे दिल के साथ खेल रही है तो तेरे को बहुत डैमेज होने वाला है। इन तीन चीजों से पता लगेगा कि आप फ्रेंड जोन होने वाले हो। पहली चीज, वो बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ आपकी दोस्त है। दूसरी चीज, आपको हमेशा अपने नए क्रशेस के बारे में बताती है। और तीसरी चीज, अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही आपके साथ शेयर करती है। अभी भी बिलीव नहीं करते तो जाके जाके प्रपोज कर दो उसे, और अगर उसका जवाब आया आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, या मैंने कभी सोचा नहीं था, उस नजर से समझ जाना।